ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी के चंदौली में चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें भोजपुरी एक्टर भी शामिल है। ये गिरोह ओला कैब इस्तेमाल से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते थे, दुकान का शटर तोड़कर चोरी करते थे। वहीं इस गिरोह का सरगना भोजपुरी एक्टर सत्येंद्र मंडी में आने वाले ट्रकों के साथ भी लूटपाट करता था। 5 लोगों के साथ भोजपुरी एक्टर सिंगर सत्येंद्र को स्वाट की टीम और मुगलसराय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया है और भारी मात्रा में लूट के सामान भी बरामद हुए हैं। चोरी करता था कस्बों में, वो पकड़ा गया है। और ग्रुप का सरगना एक भोजपुरी फिल्म में सिंगर एक्टर है, और ये लोग मिल के ये पूरी घटनाएं कर रहे थे। रात में ये रेकी करवा रहे थे कि कौन कौन से बाज़ारों में जब सिक्योरिटी नहीं है तो उसकी रेकी करवा के ये शटर तोड़ के वो चोरी करवा रहे थे। इसमें हमारी 2 घटनाएं हैं, एक चांदी की चोरी हुई थी और दूसरा एक मेडिकल स्टोर में चोरी हुई थी, उसका खुलासा है। इसके अतिरिक्त ये ट्रकों में जो रात में मंडी में खड़े हो रहे थे उनमें भी सेंध लगा के 10-20 बोरियां ये निकाल देते थे, और ये इनका पूरा रैकेट था। इसमें से जो इनका सरगना है ये शौकिया तौर पे इसको सीख रहा था, और उसका कहना है कि मैं फिल्म में एक्टिंग में प्रभाव डालने के लिए भी ये सीखने का ये प्रयत्न कर रहा था, जो कि अच्छी फैमिली से है। और इसमें एक और इनका मोडस ऑपरेंडी था, जो रेकी करने के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे थे वो ओला की गाड़ी थी। फिलहाल अब ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है, और वहीं एक्टर सत्येंद्र का कहना है फिल्मों में बेहतर तरीके से एक्टिंग करने के लिए ये घटनाओं को अंजाम देता था, जिसका साथ रेकी करते हुए ओला ड्राइवर साथ देता था, मगर अब ये सभी गिरोह और भोजपुरी एक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।